असलम मैं हबीब अक्रम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नु नजर और नुत नज़र में हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुरहमान शामी साहब और मैं इस वक्त इस्लामाद में हूँ और शामी साहब लाहौर में और आज की ताजा तरीन खबरें अभी से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मेरा पहला सवाल है शामी साहब से जो मियाँ नवाज शरीफ ने की शामी साहब मियाँ नवाज शरीफ ने एक जवाब दिया है ताहिरुल कादरी साहब के बहुत सारे सवाल का तो ये पहला जवाब आया है अब तक ताहरु कादरी साहब की डिमांड्स के मुकाबले में नहीं मेरा ख्याल है ये पहला और आखिरी जवाब है जिसे हरफे आखिर अच्छा। कहा जाता है और कमर अच्छा। कायरा साहब भी जवाब दे चुके हैं गोया हकूमती जो यानी हुकूमती पार्टी है वो भी जवाब दे चुकी है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी जवाब दे चुकी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं थे उन्होंने बड़ी दानाई से काम किया है कि उन्होंने किसी रद्द अमल का आज़ाद करने से पहले तमाम अपोजिशन पार्टीज की जो लीडरशिप्स हैं उनको दावत दी है। तो उनके साथ खड़े हुए थे मौलाना फजल रहमान, सैयद मुनवर हसन महमूद अचक जई हासल बजिंजो तलाल बुगटी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर जो पीरसा पगाड़ा के नुमाइंदे हैं और एक वसीतर इतफ़ाक़ देखा जा रहा था उन सब जमातों ने मिलकर अपने नुक़ः नज़र का अजहार किया है और नवाज़ शरीफ साहब ने नुक़ नुकता उसे पढ़कर सुनाया है और उन्होंने रद्द कर दिया है किसी भी बाल तर अजदस्तूर इकदाम को उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इंतबात की तारीख़ का ऐलान करे ये बड़ी अहम बात है ये नहीं कहा कि फौरी तौर पर इंतबात कराए जाए ये कहा इंतबात की तारीख का ऐलान करें और शेड्यूल दे दिया जाए कब निगरान हुकूमत कायम होगी और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे ताकि बेयकनी जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही वो ख़त्म हो जाए तो नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एड्रेस किया उसके बाद मौलाना रहमान भी कुछ बोले सैयद मनवर हसन भी बोले और ये जो फोरम है इसको इस तरह से कोई मुस्तकिल है कि सैयद मनवर हसन ने कहा कि अगर कोई और उलझन वाकई होगी या कोई और मसला होगा तो नवाज शरीफ साहब को ये हक होगा कि दोबारा हमें बुला लें और इजलास तलब कर लें ये मुशावरत का ये अमल जो है जारी इसमें पी इसमें पीटीआई नहीं थी पीटीआई जो है उसका इजलास अलग हो रहा था और पीटीआई के जो लीडरशिप है वो भी सारी मौजूद थी उसके नौजवान भी थे उसके जनाब तजर्बाक बुजुर्ग भी थे जावेद हाशमी साहब शाह महमूद साहब और जनाब हामद खान और नौजवान खून भी था बड़ी मैंने सुना है कि बड़ी बहस हुई गर्मा गर्म, गर्म वहाँ कोई नौजवानों में तो ऐसे थे जो कोई लॉन्ग मार्च की बात करते थे कोई धरने की बात करते थे कोई कादरी साहब ने सुबह अपील की थी ना इमरान खान से कहा था आ जाओ बिल्कुल इमरान खान की और तोसीफ़ भी उन्होंने की थी उनको कहा था मैं इनको मुखलित समझता हूँ आ जाइए शरीक हो जाइए इस मेरे प्रोग्राम में लेकिन तहरीक इंसाफ भी उनकी कॉल पर लब कहने का फैसला नहीं कर सकी वहां भी अक्सरियत की राय ये थी कि हमें किसी ऐसे इकदाम की तरफ नहीं जाना जिसे बाला अज दस्तूर कहा जा सके या जिससे इलेक्शन का रास्ता जो है वो ना हमवार हो सके तो एक तरफ तो शामी साहब जी, 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 जी एक तरफ एक तरफ नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन की तमाम जमातें दूसरी तरफ कमर उजमान कायरा साहब तीसरे तरफ इमरान खान साहब अब जो लॉन्ग मार्च है कादरी साहब का उसके साथ तो इस वक्त आप ही खड़े हैं अब इस्लामाबाद में तो शामी साहब फिर तो इसका मतलब है ताहरु कादरी साहब का मुस्तबिल को बहुत ज्यादा रोशन नहीं है नहीं, लेकिन साहब नहीं, नहीं, नहीं एक चीज समझ मुस्तकबिल के बारे में मायूस ना हुआ करें आप मुझे ये बताएं कि वहां क्या देखा आपने लंबी सी तकरीर तो मैंने भी सुनी है उनकी कई घंटों को मोहित थी थी और बड़ी अच्छी गुफ्तु भी की और उन्होंने यह भी वाजे किया कि मेरा जो एजेंडा है वो वही है इलेक्शन रिफॉर्म्स का और इलेक्शन कमीशन के असर नाम का लेकिन उनकी ये बात किसी ने नहीं मानी कायरा साहब ने भी रद्द कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने भी इसको रद्द कर दिया और उनके हमनावाओं ने कि कोई इलेक्शन कमीशन नया नहीं होगा ने भी। जो बन चुका है उस पर हमें एतमाद है वही इंतखाब कराएगा श्याम साहब लेकिन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो अपने तहफुजात का इजहार किया था नहीं वो अलग ये बात अलग है कि अल्टीमेटली वो इनसे दूर है देखिए उन्होंने इस लॉन्ग मार्च में शिरकत का फैसला नहीं किया बाकी उनकी राय वो तो जरदारी अच्छा। देखिए जरदारी साहब के बारे में उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वो इस्तीफा दे दें और किसी ना किसी तरीके से कादरी साहब ने भी को इस तरह की बात कही थी कि सदर साहब खत्म हो गए रुखसत हो गए सबक सदर बन गए और अब उनको मजीद आगे मजीद सबक बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी तो नवाज शरीफ साहब ने इसका बहुत दिलचस्प जवाब दिया जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि इस मुताबे के बारे में आप क्या कहते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब आज इस्तीफा दे, दे दे या उनसे इस्तीफा मांगा जाए तो यही असेंबलियां जिनमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और उसके हम हमनवाओं की नया सदर चुनेगी तो जरदारी साहब से इस्तीफे के मुताल का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी का नया सदर पांच साल के लिए मुंतब करा दिया जाए तो हम आइंदा पांच साल की सदारत उनको देने को तैयार नहीं है तो ये जो दलील है आप इसके सामने तो फिर किसी की पेश नहीं जा सकती बिल्कुल शामी साहब महमूद खान नचक जई ने आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी जब हम चाहे पूरे पाकिस्तान को तहरीर स्क्वायर बना दें आज स्टूडेंट्स का एक मुजाहरा भी हुआ लाहौर में भी जिससे आसमान जहांगीर ने भी खिताब किया तो क्या एक धरने का मुकाबला धरनों से किया जाने का इम्कान है नहीं अब ये तो देखिए छोटे मोटे आ, मामला चलते रहेंगे नौजवान खून है हर जगह मौजूद है वो भी गर्म है मुस्लिम लीग नून के पास भी नौजवान है पीटीआई के पास भी नौजवान हैं और नौजवानों का अपना मामला है और आसमां जहांगीर जो हैं वो भी बरल अपनी एक राय रखती हैं असल बात यह है कि ये जो धरना है कादरी साहब का उनका ये कहना था कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन की तश्ील नौ चाहते हैं बाकी और जो दफा बासठ और तिरसठ है उसका नफाज चाहते हैं उन्होंने फरमाया कि बाकी जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो वजाहत के लिए हैं वो मतलब एक जोर बयान समझिए एक किस्म का जौहरी मामला जो है वो यही है तो अगर कादरी साहब सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते थे या बैसठ और तिरसठ का नफास्त चाहते थे या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद चाहते थे इंतलाहत के हवाले से जी शाम शाम ब्रेक आ गई है एक ब्रेक के बाद गुफ्तु हम यहीं से शुरू करेंगे आप देखते रहिए नुकतार नुकता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद अभी शामी साहब ने बताया था कि पी टी आई आ, पी टी आई ज्वाइन नहीं कर रही डॉक्टर कादरी साहब के मार्च को तो इस बात की कन्फर्मेशन भी हो गई है और ये खबर भी बन अब ये जो इतला थी शामी साहब की शामी साहब ने जो खबर दी थी अब वो उसकी तस्दीक दूसरी तरफ उनकी पार्टी पी टी, टी आई की तरफ से भी यानी इमरान खान की पार्टी पी टी आई की तरफ से भी हो गई है शामी साहब आज फजल रहमान ने एक बड़ी दिलचस्प बात की जायदा ऐलान हो गया है बात जी आप बात आप बात कर रहे थे महमूद अचक जी, जी, जी बिल्कुल महमूद अचक ने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हर चौक को तहरीर चौक बना देंगे और एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही उन्होंने कहा मुझे ये कहने दीजिए बात सख्त है अगर ये दस्तूर ना रहा तो वफाके पाकिस्तान नहीं रहेगा देखिए यह दस्तूर साजी का जो झगड़ा है ना इसमें हम अपना आधा मुल्क गवा चुके हैं अगर 56 का दस्तूर मनसूख ना होता या जब या खान ने टेक ओवर किया था वो इसे बहाल कर देते और नया दस्तूर बनाने की मुशक्कत में ना प डाला जाता कौम को तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान इस तरीके से एक दूसरे से अलग ना होते जिस तरह हुए हैं और अब ये जो तिहत्तर का दस्तूर है तमाम सूबों में इस पर इतफाक है हर शख्स इसको तस्लीम करता है इसमें जो भी तरमीम हो वो दस्तूर में दिए गए तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए और अभी इसी असम्बली ने कई तरामीम की हैं इतफाक राय से तमाम सियासी जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं सैनट में मौजूद हैं जमात इस्लामी से लेकर मुस्लिम लीग नून तक मुस्लिम लीग काफ से लेकर पीपल्स पार्टी तक ए एन पी से लेकर एम क्यू एम तक और हाथ और बी एन पी से लेकर दूसरी उनकी जमातों तक तो अब ये समझ लीजिए कि यह दस्तूर एक बुनियादी हैसियत रखता है पाकिस्तान के वफाक में अगर इससे किसी ने छेड़छाड़ तो करने की, की कोशिश की अगर इससे बाबरा कोई इकदाम किया गया अगर इसकी तकदीस मजरू हुई तो एक हम और हंगामे में पड़ जाएंगे इसलिए यह दस्तूर जो है इसकी हिफाजत होनी चाहिए और इसमें जो तरीकेकार वजह किया गया है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए कोई धरना कोई लॉन्ग मार्च कोई मैं तो कहूंगा मारशाला कोई गैर आईनी इकदाम दस्तूर को बला तो बाला करेगा तो पाकिस्तान को तहबाला करेगा खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता श... शामी साहब कादरी साहब भी तो दस्तूर की बात ही करते हैं उनका दावा तो यही है कि मैं दस्तूर की इंप्लीमेंटेशन चाहता हूं इन लेटर एंड स्पिरिट ये इस हद तक अगर वो अपनी बात रखते तो उनकी बात का वजन है देखिए दस्तूर के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए हर शख्स को एहतजाज का हक हासिल है वो धरना दे सकता है वो जुलूस निकाल सकता है वो लॉन्ग मार्च कर सकता है अब अगर कोई तालब एलम यह मुतालबा करें कि हमारी फीसें कम कर दी जाए वो उसके लिए धरना दे सकते हैं अगर कोई डॉक्टर यह मुतालबा करें कि हमारी तनख्वाह में अजाफा कर दिया जाए वो एहतजाज कर सकते हैं पुरमन तरीके से अगर कोई क्लर्क या और अफसर या मजदूर या कारकुन कोई मुतालबा करे और उसके लिए एहताज करे वो कर सकता है लेकिन दस्तूर के खिलाफ इकदाम जो हैं उनके लिए कोई एहताज नहीं किया जा सकता कादरी साहब ने ठीक है आज ये वजाहत करने की कोशिश की है कि मेरे जौहरी जो आ, नुकात हैं वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स तक हैं लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन नए का मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन नया कायम नहीं हो सकता इसे मौजूदा असम्बली के नुमाइंदों ने इतफाक राय से कायम किया है और कायरा साहब ने तो पूछा भाई अगर अस्सी बयासी साल के जनाब इन पर एतराज है फखरुद्दीन इब्राहिम पर तो मनमोहन सिंह तो वजीर आजम है अस्सी साल उनकी उम्र है और यहां भी अस्सी अस्सी साल के कई लोग अपने नौजवानों के तरीके से काम कर रहे हैं अभी हमारे मजीद नजामी साहब को देख लीजिए बेशुमार दूसरे हमारे लोग हैं बिल्कुल जो बड़े उम्र सीधा हैं लेकिन अल्लाह तला ने उनको सलाहियत अता की है तो फखरुद्दीन इब्राहिम पर इतफाक राय है बाकी अरकान भी इतफाक राय से बने हैं उनको आप तहलील नहीं कर सकते धरनों के जरिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात जो है वो दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बात दुरुस्त है अगर मुतालबात वहां तक रखे जाए तो उस पर एतराज नहीं हो सकता और अगर कादरी साहब लेकिन शाबी साहब वो जो आप बाकी अरकान की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो ताहर कादरी कुछ और कह रहे हैं वो तो कहते हैं कि वो नुमाइंदे हैं मुख्तल जमातों के नहीं उनसे इतफाक नहीं किया जा सकता ये पीपल्स पार्टी के और उनके इतिहादी और मुस्लिम लीग नून जो हिजब इख्तलाफ की जमात है कौमी असम्बली में उन्होंने इतफाक राय किया इन नामों पर इन नामों पर वो इतफाक हो गया ये कोर्टे में तकसीम नहीं हुए और ये जो लोग हैं ये रिटायर्ड जज हैं काबले एहतराम लोग हैं इनकी इज्जत की जाती है ये कोई बाजार से पकड़ के नहीं बैठा दिए गए यहाँ, और इनको कोई ताकत अब रिमूव नहीं कर सकती जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके अहदे से अलग करते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए उसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन के अरकान अपने से अलग हो सकते हैं इनके खिलाफ कोई असम्बली कोई निगरान वजीर आजम कोई सदर कोई मुस्तकिल वजीर आजम कोई इकदाम नहीं कर सकता इनको इनके मनसब से हटा नहीं सकता तो ये तो गोया जुडिशरी के इख्तियार में है कादरी साहब अगर इसकी रिमूवल चाहते हैं इनकी तो जुडिशरी के पास चले जाए वो बार बार उस पर एतमाद का आजहार करते हैं तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनको हटा दे इनको समझ ले तो अच्छी बात है हो सकता है कुछ नहीं हो सकता साहब आज की प्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ने उसमें मौलाना रहमान भी साथ थे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सी बात की अजीब सी की उन्होंने कहा कि कादरी साहब जो है मुसलमानों के जे सालिक है ये इसमें कोई मसल की इख्तलाफ का मामला है या मैं क्या मैं, है देखिए जे सालक जो है वो हमारे मसीही रहनमा है जी। तो वो तरह तरह की ठीक है यानी तरीके करते रहते हैं के। कभी पिंजरे में बंद हो जाते हैं कभी वो टाट का लबास पहन लेते हैं कभी पैदल सफर करने निकल जाते हैं ताकि वो अपनी तरफ और अपने मुतालबात की तरफ लोगों को मुतवजे करे तो मौलाना फजलान साहब ने यह कहा है कि कादरी साहब भी इस तरफ इस तरह लोगों को मुतवज करने के लिए और नमाया होने के लिए काम कर रहे हैं गोया हमारे जय सालक हैं और गोया आप यह भी कह सकते हैं वो अच्छा। जय सालक जो हैं वो क्रिश्चियंस के फिर कादरी गए जी शामी साहब तो का वक्त आ गया है के ब्रेक बार के बाद हम गुफ्तु यहीं से आगे बढ़ाएंगे आप देखते रहिए नुक्ता नजर नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद शामी साहब ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे के ताहिर कादरी साहब जो है वो आ, मतलब मौलाना रहमान की की बात पर बात हो रही थी और उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था साहब आपने नहीं भाई अगर वो वो है तो वो ये है अब देखिए एक बात <laughs> जी, अभी जी। अभी मेजर आमिर साहब का मुझे फोन आया था वक्फे के दौरान उन्होंने कहा आप ताहिर अच्छा। कादरी साहब साहब को जय सालक साहँ के, साहँ के साथ नहीं मिला सकते जय सालक जिस पिंजरे में अपने आप को बंद करते हैं वो पांच हजार रुपए का होता है और कादरी साहब ने जिस पिंजरे में अपने आप को बंद किया हुआ है वो पांच करोड़ का है उन्होंने कहा उन, उनका जो मस्कन है इस वक्त उस पर पांच करोड़ रुपया खर्च हुआ है उनके बकौल तो बहरहाल जो अच्छा। देखिए मसलक की बात तो, यह है देखिए मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है देवबंदी मसल लेकिन उनकी अपील है। जो है वो गैर फिर वाराना होती है वो फिर वाराना सियासत नहीं करते इसी तरीके से कादरी साहब का ताल्लुक है बरेलवी मसलक से लेकिन वो भी गैर फिरका वराना मामला करते हैं फिरका वराना अपील नहीं करते और उनके दस्ते रास्त तो हैं आगा मुर्तजा पोया जिनका फिका जाफरिया से ताल्लुक है उनके वालिद साहब तो बड़े मुश्हिद थे फिका जाफरिया के तो ये मसलक की थोड़ी बहुत आ, सूरत तो हो सकती है खिंचाव की लेकिन कादरी साहब जो हैं उनकी एक अपनी दुनिया है और अब आप उनको एक मशुरा दें वो ये है कि वो एक बाकायदा जमात बना ले अपनी एक अवामी तहरीक के नाम से पहले उन्होंने बनाई थी लेकिन उसको फिर उन्होंने अबंडन कर दिया था आप देखिए उन्होंने एक अपनी ताकत का मुजहरा तो कर दिया है भाई हजारों लोग इकट्ठे किए हैं जो सर्दी में बच्चे हैं औरतें हैं लड़के हैं बूढ़े हैं सर्दी में वहां बैठे हुए हैं जम के और कोई आज उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में क्राइम जो है वो कम हो गया इस धरने से उसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि पुलिस इधर मसरूफ हो गई है ज्यादा इसलिए इसलिए चो, <laughs> चोरी चकारी खत्म हो गई है यह वजह भी हो सकती है लेकिन बहरहाल देखिए बाजार के अंदर बैठे हुए हैं कोई वहां लेकिन दूसरी वजह भी हो सकती है आप <laughs> <क्या कहें? laughs> वो सब धरने में आ गए हैं तो देखिए बात यह है कि बाजार में बैठे हैं कोई हंगामा नहीं है दुकानें खोल लो तो ये एक बड़ी फोर्स है और उन्होंने अपनी ताकत का बड़ा अच्छा मजारा किया है उनको चाहिए कि एक बाकायदा सियासी जमात बना ले और सियासत में हिस्सा ले और जो भी अपना एजेंडा है उसके लिए जिद्दोजहद करे अगर इस धरने के नतीजे में जी 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 तो आप बात मुकम्मल कर लीजिए इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर वो अपने सारे मकासद हासिल नहीं कर सकते तो एक दूसरा लॉन्ग मार्च सही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद हाँ। 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 तक तो वो देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद हाँ तक तो वो कामयाब है क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने भी ये ऐलान किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इंतजामी असलाहत के हवाले से और जो पार्लियामेंट की जो अखलाकियात की कमेटी है एथिक्स कमेटी उसकी जो रिपोर्ट है उनको मिलाकर असलाहात की जाए और जो लोग बददयानत हैं और जो लोग नादहिंदा हैं उनको रोका जाए ये नवाज जी। शरीफ साहब की जमातें जो थी अपोजिशन की सारी वो भी इसमें मुतफिक है इमरान खान साहब भी इस पर मुतफिक है तो तारुल कादरी साहब के मुतालबे का यह हिस्सा जो है यह तो कबूल हो गया इस लिहाज से तो वो कामयाब हो गए ठीक है अब इतनी कामयाबी को वो काफी समझ ले फिलहाल तो यह बेहतर है अपनी तवानाई बचाएं आगे के लिए जी जी तो फिर शामी साहब आपका तो मशुरा गोया ये जा रहा है आपकी गुफ्तगु का मतलब यह है कि उन्हें अब खैरबाद कह देना चाहिए इस्लामाद को और वापस लाहौर से शीव ले जाए देखिये इसमें तो सब इतफाक हो गया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल होगा ये तो हाँ। यह तमाम जमातें यह कह रही हैं तो यह तो बड़ी अच्छी बात है इस लिहाज से तो उनको एक शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का भी और लोगों का भी शुक्रिया अदा कर देना चाहिए और एक बात और बड़ी अहम है देखिए अभी खबर आई है जी। कि जो अपोजिशन जमातों का डिक्लेरेशन है जिसे नवाज शरीफ साहब ने पढ़कर सुनाया उस पर जी। जो हमारे राजा परवेज अशरफ साहब हैं वजीर आजम उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं या अंगूठा लगा दिया है वाह उन्होंने कहा है तारीखी अलामिया है और गैर जानबदार और मुनफाना इंतबात को यकीनी बनाया जाएगा गोया जो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दस्तूर की बालादस्ती दस्ती पर इंत के इन पर यक्षु हैं और अब कोई आइन इकदाम यहां नहीं हो सकता जी। उसकी जरूरत कोई किसी को नहीं हो सकती तो अब तो करनी चाहिए कि चंद रोज में आइंदा बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा और कतयियत तो पैदा हो जाएगी कादरी साहब ये कहें शामी साहब अगर इस पे कादरी साहब ये कहें कि देखा ये पहले से आपस में मिले हुए थे और इन दोनों ने डिक्लेरेशन दिया है एक मेरे मुकाबले में और इनका मुख्य मुकाबाजे हो गया तो आप उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी कर दें अच्छा <laughs> शामी साहब शामी, शामी साहब एक कल हम बात जब प्रोग्राम में कर रहे थे वो थी वजीर आजम को मिलने वजीर आजम की गिरफ्तारी का हुक्म जो अदालत की तरफ से सामने आया था और फिर बाद में कहा बाद में यह चीज सामने आई कि वो गिरफ्तारी का उस तरह का हुक्म नहीं था जिस तरह गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर कहा जाता है लेकिन कल इन दोनों बातों को यानी कादरी साहब के धरने को और उनकी तकरीर को और उसके बाद वजीर आजम के, के बारे में इस हुक्म को मिला के देखा जा रहा था आज नवाज शिफ साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग अलग, अलग चीजें थी देखिए हमने तो इसको मिला के नहीं देखा और जो हमारे भाई बंद मलाते हैं ये तजिया हैं, हैं, वो अपना जवाब देना अच्छा। के माहौल में शुकु बात पैदा हो सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका कार है वो सुप्रीम कोर्ट के जज किसी से मिलते नहीं है सो ये सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे थोड़ी है कि शाम को डिनर खा रहे थे क्या ताल्लुक हादरी के साथ या कोई इनके दरमियान कोई एजेंसी नामा प्याम कर रही थी देखिए ये सारी बदगुमानियां हैं जो तजिये है ना बदगुमानियों पे मबनी नहीं होने चाहिए अपनी ख्वाहिशात पे मबनी नहीं होने चाहिए हकायक हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हुए तो बहुत मोहतात होने की जरूरत है और खुद पर, राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में भी जिन अल्फाज में जो हुक्म दिया गया है उन अल्फाज से कहीं आगे बढ़कर लफ्ज इस्तेमाल हो गए हैं तो ये सारी जज्बात अपनी जगह हैं और हकायक अपनी जगह हैं तो दोनों का ख्याल रखना चाहिए जज्बात के ताबे नहीं करना चाहिए हकायक को शामी साहब ये जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आई कि खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत हम गवारा नहीं करेंगे सियासत में तो ये इशारा किस तरफ है क्या कोई मुदाखलत हो रही है या वो धरने को रिलेट करना चाह रहे हैं देखिए अब तो आई एस आई जो है उसके बारे में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका कि उसमें कोई सियासी सेल नहीं होना चाहिए तो अब तो सियासी सेल कोई काम ही नहीं कर रहा उनका भी जवाब आ गया अब तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो सूबाई और वफाकी हकूमतों के ताबे हैं वफाकी हकुमत के ताबे इंटेलिजेंस ब्यूरो है और के ताबे स्पेशल ब्रांच है वो भी इंटेलिजेंस की आ, का काम कर रही है और उसने उस वो भी थीक बड़ा थीक बैल इक्यूप हो रही है यह एजेंसियां तो सूबाई हकूमतों को भी अपनी एजेंसियां काबू करनी चाहिए और वफाकी हकूमत को भी काबू रख करना चाहिए उनको एजेंसियों का ये काम नहीं है उनका काम कौमी तहफ है कौमी मुफादात का तहफ है गुरोही सियासत हाँ। में मुलवस होना नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अब अगर देखिए अगर एजेंसियों के जो हाकम है जो हुकूमतें कर रहे हैं वो नहीं काम ये करेंगे तो एजेंसी को क्या जरूरत पड़ी करने की अभी तो आपको याद होगा ना एक आपको याद नहीं है ये शरीफ साहब के कत्ल की क्या बात उड़ाई गई और स्पेशल ब्रांच जो थी यहाँ पंजाब हुकूमत की उसकी वो उसके अफसर मुलवस पाए गए उसमें देखिए तो ये एजेंसियों को काबू कीजिए सियासतदान हुक्मरान काबू करें इनको ठीक है शामी साहब ब्रेक का वक्त आ गया है ब्रेक के बाद हम सवालत लेंगे तो टेलीफोन लाइन पर आने वाले फेसबुक और एस एम एस के जरिए मौसू होने वाले और ई मेल पर आने वाले सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और शामी साहब का नुकता नज़र मालूम करेंगे उन पर लेकिन एक वक्त के बाद नुकता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद शामी साहब आज तो बहुत सारे कॉलर्स हैं और फेसबुक पर भी भरमा रहे और ई मेल बॉक्स भी हमारा भरा हुआ है तो सबसे पहले कॉलर्स की तरफ चलते पहले पहले मुल्तान पहले एक बात सुन लें जी जी ये आरिफ साहब जो पैरिस से हैं उन्होंने उन्होंने एस एम एस किया है कि कादरी साहब की मुठ्ठी में मु बंद है नाज पान मसाला और ये जो हमारे टिप्पू साहब हैं इनकम टैक्स कंसल्टेंट हैं वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट तो नहीं था कादरी साहब का कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाए वो शहीद हो जाए तो फिर जनाब उसको लोगों की हमदर्दी से वोट मिल जाए टीपू साहब आपकी क्या सराही खत्म हो गई पीपल्स पार्टी वही की वही है हुकूमत वही की वही है कादरी साहब वहीं के वहीं हैं और एक बात ये सुनिए एक जाहिद अब्बासी साहब कहते हैं जनाब ए क्यू खान इमरान खान और डॉक्टर तारो अब मिलके कोई प्रोग्राम बनाएं। तो जनाब अब ये अच्छा। आपकी आवाज उन तक पहुंच गई है वो सुन लें तो सुन लें उनकी मर्जी अब आप लाए फरमाइए नवीद है। नवीद साहबान से हाँ जी, जी सलाम नवीद, नवीद नवीद लोधी साहब नवीद लोधी बोल रहे जी मुल्तान से अच्छा जी शामी साहब ये आपसे गुजारिश कर थी कि जो आजकल आटा चालीस बैतालीस रुपए किलो हो गया है इस पर आप कोई बंदर और गरीब आदमी पिसता जा रहा है और उस पर कोई एंकर कोई टीवी मेजबान कोई कोई बात नहीं कर रहे और ये कादरी साहब से दूसरा सवाल मेरा ये है नहीं तो पहले आटे पे रहे ना फिर अब आटे से निबट ले फिर कादरी साहब की बात देखिए आटा जो है ये।, ये बात उनकी दुरुस्त है ने गंदुम की कीमत फिर बढ़ाई है बगैर किसी सबक के और उसकी वजह से आटा बहुत महंगा हो गया है और ये इसका फायदा जो है ज्यादा फायदा बड़े जिम्मेदारों को होगा या आड़तियों को होगा जो या स्टॉक होल्डर्स को होगा और लोग जो है पिस रहे हैं और रोटी महंगी हो गई है कहीं पहले से बिल्कुल शाम साहब हसन साहब है मुल्तान से ही जी वालेकुम हसन साहब जी शामी साहब हसन खुर्शीद बोल रहा हूँ मुल्तान से जी हाँ जी एक तो ये है कि मीडिया जो ये ट्वेंटी ट्वेंटी दिखा रहे हैं हमें क्रम ये बंद कर दे इसके अलावा भी बहुत सारे काम है दूसरा साथी तो ये है कि आपने सिर्फ पूरे मुल्क को फोकस किया हुआ लेकिन कराची को आपने यतीम छोड़ दिया है ब्राह क्रम कराची में मुनसफाना इलेक्शन करा दिए हाँ जाए हम हाथ जोड़ के आपसे इल्तजाज कर पूरे मुल्क में अमल कायम हो सकता कराची में भी मुनसफाना इलेक्शन होंगे आप फिक्र न करें जी और शामी साहब ये जो कह रहे हैं मीडिया दिखाना छोड़ दे चीजों को जब खुद बहुत ही दिखाना छोड़ देगा जब लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी आप भी वापस अच्छा आ जाएंगे लाहौर में चलते ला। हैं शाहिद बुखारी साहब हाँ जी क्या प्रमाण जी शाहिद बुखारी साहब हैं ये कहते हैं कि शावी साहब मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब ने भी अपने लॉन्ग मार्च के लिए ताहरू कादरी साहब से मदद लेने की कोशिश की थी तो फिर क्या करें तो काजी साहब से आप कादरी साहब उनकी मदद ले लें <laughs> अच्छा ये अब्दुल रहमान साहब हैं ये कह रहे हैं जी के जरदारी साहब को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए लेकिन क्या उन्हें हुकूमत कादरी साहब के कहने पर छोड़नी चाहिए या नवाज शरीफ के कहने पर नवाज शरीफ साहब तो कह ही नहीं रहे वो तो कह रहे हैं भाई इनको इनको अगर सदारत छोड़वा दी तो नया सदर आ जाएगा पांच साल के लिए पीपल्स पार्टी का तो बेहतर यह है कि चंद माह के लिए इनकी सदारत जो है वो जारी रखी जाए ताकि नई असेंबलियां आकर नया नया सदर चुने जी राना मुनवर साहब हैं शाम साहब शोर कोट से जी असला राना साहब वालेकुम असलाम हाँ जी फरमाए जनाब जनाब अली शामी साहब से सर बात करने हाँ जी हुक्म कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ अच्छा आप कर रहे हैं सर हाँ जी हाँ जी सर सर मेरा उनसे सवाल यह है कि जिस वक्त सर हमारे वालदे नाम हम छोटे छोटे थे पाकिस्तान बना उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला 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 आप ये है कि हमें सेकुलरिज्म का दर्ज दिया जाता है जमूरीत का दर्ज दिया जाता है बच्चे तालीम याफ्ता है उनको रोजी नहीं मिलती ये बात ये तो है सर वो कहते हैं हमारा दस्तूर जो है वो इस्लामी है इस्लामी तरीकार है इस्लामी इकदार जो है हमें अजीज है यहाँ कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं चल सकती और जमहूरियत जो है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है बाकी मसाइल मौजूद हैं उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद है आप अपना वोट सही इस्तेमाल करें ताकि मसाइल हल होने की सूरत निकले परवेज साहब है अटक से परवेज साहब अस्सलाम। साहब तो बड़े जोरदार जनाब माशाल्लाह। जोरदार कॉलर हैं। एक बात करनी चाहूंगा आपसे शामी साहब जो कुछ हुआ हाँ, कादरी साहब आ गए अब सोचना यह है कि वो जो बच्चे या बच्चे जो मासूम जो है बच्चे वो वहां पर इस्लामाबाद में पढ़े हैं गवर्नमेंट को ही चाहिए जो कुछ इन्होंने करना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इनसे कोई इस किस्म की बात करें कोई मत करें ताकि ये लोग जो जो, जो बच्ची ये अपने अपने घरों को खैर खरीद से वापस चली जाए क्यों बात सबसे बड़ी यह है शामी साहब की नवाज शरीफ साहब जो आज इकट्ठे हुए हैं साहब किसी ने ये बात नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की गिरफ्तारी का जो हुक्म दिया इस पर अमल किया जाए आप, आप, आप इस पर सोच लें अमल की जरूरत उनके मुताबा करने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पर अमल हो जाएगा जब उसकी जरूरत होगी जी तारिक साहब है मुल्तान से जी सलामकुम तारिक साहब जी अलैक्म शामी साहब वाले शामी साहब मैंने ये पूछना था कि जैसे नो लीग में मिया नवाज शरीफ साहब है वो अपनी जगह के ऊपर एक मजबूत सियासतदान है उनकी तरह मिया मिया शबाज शरीफ साहब है दोनों का नुकता नजर एक होता है लेकिन इमरान खान साहब ये क्यों ड्रामाफुल हो जाते हैं अब जो उन्होंने एक काम किया है दिल में कुछ था शाम को उनका कुछ हो गया तो इस तरह वो अपना वोट बैंक जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे क्या क्या उन्होंने बदला है अपना मौकाफ मुझे भी बताए मैंने इमरान खान साहब की बात की है कि जैसे उन्होंने पहले प्रोग्राम बना लिया कि हम कादरी साहब के जलसे में शामिल होंगे नहीं नहीं उन्होंने ये ऐलान तो नहीं क्या दिया नहीं नहीं कोई ऐलान कहीं नहीं किया कि हम जलसे में शरीक होंगे ये बात नहीं कही उन्होंने उन्होंने इमकान का इजहार किया था नहीं कल लेकिन उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था ये ऐलान नहीं किया था अच्छा शामी साहब ये फैसल बाबर बाबा साहब हैं ये कहते हैं शामी साहब आपने कल के प्रोग्राम में कहा था कि गाड़ी पटड़ी पर चलती रहनी चाहिए तो मसला यह है कि गाड़ी भी टूट फूट रही है और इसमें बैठे हुए मुसाफिर भी तंग है तो अब क्या करना चाहिए तो पैदल चलना शुरू कर दें गाड़ी से उतर के कम अज कम जख्मी होने से तो बच जाएंगे ना गाड़ी तो गाड़ी में तो आदमी टिकट लेके सवार होता है गाड़ी लोगों के घर नहीं जाती कि आप इसमें सवार हो जाए आके बिल्कुल ामी साहब ये इमरान खुर्शीद साहब हैं इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा उन्होंने कहा अब कादरी वापस लाहौर कैसे जाएंगे जैसे गए थे वैसे आ जाएंगे इसमें क्या हर जाए अच्छा। उनका घर मौजूद है कैसे कहेंगे वो आप? तो देखिए उनका तो घर लाहौर में भी है कनाडा में भी है जो वो जहां चाहे जा सकते हैं जहां चाहे रह सकते हैं परेशान ना उनके लिए जी ठीक चाहू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है हमें इजाजत दीजिए कल फिर हम आप खुद पर हाज़िर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह